हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ये वीडियो खासकर आप सभी के लिए बना रहा हूँ, जितने भी टीचर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको किसी सब्जेक्ट पे कमांड है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। आज के समय में हम अभी वर्ल्ड क्राइसिस जो हुआ हमारे पास, जो हेल्थ का कोरोना वायरस की वजह से पूरे संसार में हम उससे सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं उनका घर का जो है रोजी रोटी चल रहा है, कुछ लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन सभी लोग सरवाइव किसी न किसी तरीके से कर ही रहे हैं। मैं आज जो बात करने वाला हूँ आप सभी के लिए कि आप पैसा ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक स्टेप आपके लिए बताऊँगा और आप उस स्टेप के थ्रू जब जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता लगेगा कि आप पैसा कैसे कमाएंगे। यहाँ पे आपको एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। कोई 0 रुपए भी आपको, मतलब सिंगल तौर पे आपको 0 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कोई कहीं से भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, बल्कि आपके काम का आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि हमें क्या करना है। तो आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन करिए, ठीक है। उस ब्राउज़र में आपको सर्च करना है सब्जेक्ट एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन ऑन चेक। हो सकता हो कुछ लोगों ने किया भी हो सकता हो कुछ लोग नहीं जानते होंगे। देखिए इस पे जाने के बाद जो पहला ये वेबसाइट हमें दिख रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट साइन अप, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक, अब इस पे देखिए वेबसाइट में लिखा हुआ experts.checkindia.com, यहाँ पे जो वेबसाइट है इस पे लिखा हुआ experts.checkindia.com क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट साइन अप। तो डायरेक्टली आप इस लिंक से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट विथ चेक, और इसके ठीक साइड में आपको ये बना हुआ जो राइट साइड में, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है आपका, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। देखिए इसका जो ऑफिस है वो इंडिया में है, दिल्ली में, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा इसका जो है ट्रस्टेबल वर्क है, आपका इनकम टैक्स भी प्रॉपर ये जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा ना। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक रेंडम मोबाइल नंबर देता हूँ, यहाँ पे 7800 something 123456, ठीक है। अब मैंने ये नंबर दिया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है, फिर स्टार्ट साइन अप पे जाना है, ठीक है। जैसे आप साइन अप पे जाते हैं अगला पेज आपका ओपन होगा। इस पेज पे अब आपको क्या करना है, अपना नाम कुछ डालना है, ठीक है। अब अपना नाम जैसे मैंने डाल दिया पीयूष, ठीक है। अपना नाम डालने के बाद अब आता है ईमेल एड्रेस डालने के लिए। यहाँ भी आप एक वैलिड जो ईमेल एड्रेस आप यूज करते हैं वो ईमेल एड्रेस आप डालिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, मेरे पास एक ईमेल एड्रेस मान लीजिए ABCDE, ठीक है, @ कुछ gmail.com समथिंग कुछ ऐसे ही डाल देंगे। याद रखिए अगर आपके पास रेडिफ मेल है तो आप उसका यूज ना करिए, क्योंकि रेडिफ मेल पे ये काम नहीं करेगा। तो आपके पास याहू हॉटमेल ये जो है वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्चा इंटर करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 4TA4PW 4TA4PW।
अब इसको मैं साइन अप कर रहा हूँ। देखिए मैंने कोई अपना रियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। जब आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद एक पेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा थैंक यू, ठीक है। अब ईमेल आईडी मेरा सही होता तो ये यहाँ से आगे प्रोसीड करता, लेकिन ईमेल आईडी सही नहीं है इसलिए आपके लिए आएगा ये थैंक यू का पेज आ जाएगा, जो आपको आगे की तरफ फिर वहाँ से आपको मिलेगा कि नहीं आपकी ईमेल एड्रेस पे हमने एक लिंक प्रोवाइड किया, तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा। जैसे कि मुझे हुआ एक ईमेल रिसीव, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास आ गया है जैसे एक्सपर्ट हायरिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट हायरिंग, हाय पीयूष प्लीज क्लिक टू क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड कंप्लीट द साइन अप। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है क्लिक होने के बाद, जैसे कि मैंने अपने इस पर क्लिक किया, ओके, ईमेल मेरे पास जो था इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपना यहाँ से क्लिक किया और ये मेरा पेज जो है ये पेज ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ से पासवर्ड का पेज आएगा, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर आपके पास एक दूसरा ईमेल आएगा, ओके। दूसरा ईमेल मेरे पास आ चुका है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। डियर कैंडिडेट, यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशंस, प्लीज नोट दैट यू हैव एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट टर्म एंड कंडीशन अवेलेबल हियर। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे जा करके अगेन आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, लॉग इन हियर पर मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना लॉग इन कर रहा हूँ, जो मैंने अपना ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड किया हुआ है, जो पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक। लॉग इन करने के बाद वहाँ पे आप जैसे आगे बढ़ेंगे टर्म एंड कंडीशन का ये पेज आता है पासवर्ड क्रिएट करने के जस्ट बाद, ठीक है। तो उसके बाद ही टर्म एंड कंडीशन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सपर्ट होम पे। एक्सपर्ट होम पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन था इसमें अपना नाम डालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। रियल नेम आप यहाँ पे जो फुल नेम जो नेम है उसका यहाँ पे इंटर करेंगे पूरा, ये लास्ट नेम आप इंटर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मोबाइल नंबर जिससे आपने एंट्री की है, जो पहले ही राउंड में आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका रियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ये वेरीफाई किया जाएगा। अब जैसे कि मेरा ये ईमेल आईडी ऑलरेडी पड़ा हुआ जिससे मैंने खुद को रजिस्टर्ड किया हुआ इस पर। अब आते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करना हमें। देखिए कुछ लोग होते हैं जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में लोग एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें क्या करना अपना अपना सब्जेक्ट करना, जैसे अकाउंटिंग हो गया, एडवांस मैथ हो गया, ठीक है, एडवांस मैथ हो गया, इसी के साथ साथ आपका जो है एडवांस फिजिक्स हो गया। देखिए एडवांस फिजिक्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईआईटी जेई के लिए पढ़ाते हैं आप वो फिजिक्स आपको ऑप्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो ऑप्ट करते हैं एडवांस फिजिक्स तो ये कुछ दूसरा है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस आएंगे और ये एडवांस के ऊपर का है। नाउ अब आ जाइए कैलकुलस पे, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का एक ही है तो आप केमिस्ट्री वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिनेंस, मेटलैब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, अर्थ साइंस, इसमें बायो का भी ऑप्शन होता है, फिजिक्स का भी होता है जो बेसिक फिजिक्स का है, ठीक है, और एक बेसिक मैथ में भी होता है हमारे पास, जनरल मैथ होता है, स्टैटिस्टिक्स भी है हमारे पास। तो आप अपना जो भी कमांड है जिस सब्जेक्ट में वो इंटर करिए, फिर ये पूछेगा आपसे हाउ डिड यू लर्न अबाउट अस, तो आपको अपना जो भी है, ये कुछ कैंपस से भी हायरिंग करते हैं या आपको किसी दोस्त ने बताया या इंटरनेट सर्च करके, जो भी आप है यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आता है किसी दोस्त को, अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करना चाहते हैं तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट टू रिसीव ईमेल्स, कॉल्स, एसएमएस एंड व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम चेक टीम, देखिए ये कंपलसरी है क्योंकि चेक पे ज्वाइन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे डेली मिलेगी, ठीक है, एसएमएस डेली मिलेगा आपको, ईमेल मिलेगा ही मिलेगा, आपका कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट आपका कब
आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, ये सारा ईमेल के द्वारा आपको भेजा जाएगा। फिर सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर जो है ये वापस इसी पेज पे आ जाएगा जहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट होम पे थे, जहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। देखिए रजिस्ट्रेशन जो ये दिख रहा आपको ऑरेंज कलर में, जैसे फिल करेंगे तो ये बाकी की जैसे कलर है वैसा हो जाएगा। सब्जेक्ट टेस्ट आपका फिर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसी सब्जेक्ट में आपका टेस्ट होगा। अब देखिए टेस्ट जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इस समय चेक पे अगर सब्जेक्ट टेस्ट आप देते हैं तो आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, जिससे आप आगे क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट टेस्ट में ही यहाँ पे लिखा हुआ रिमेनिंग अटेम्प्ट्स दो, मतलब आप सब्जेक्ट टेस्ट के दो अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। जैसे ही क्लियर होगा या नहीं होगा, सब्जेक्ट टेस्ट फाइनल सबमिट करने के बाद वो लिख के आपको आ जाएगा कि यू हैव क्लियर्ड सब्जेक्ट टेस्ट आर नॉट। फिर आपका रिजल्ट ये बताएगा यहाँ पे कि आप फेल हो गए हैं या फिर पास हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको डाउनलोड गाइडलाइंस। देखिए ये जो गाइडलाइंस है ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा जैसे ही आप सब्जेक्ट पास कर लेते हैं। तो ये ऑरेंज होते ही आपको गाइडलाइंस डाउनलोड करनी है। नियरली 15 से 18 पेज की गाइडलाइंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी होती हैं, वो आपको पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि आगे है गाइडलाइंस टेस्ट, और गाइडलाइंस टेस्ट भी निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डाउनलोड गाइडलाइंस आप डाउनलोड करके यहाँ से गाइडलाइंस के बारे में पढ़ करके फिर आप गाइडलाइंस टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। इसके लिए आपको मिलते हैं 3 चांस, अटेम्प्ट रिमेनिंग 3। तो ये 3 बार में आप इसको क्रैक कर सकते हैं, कोई पहली बार में कर ले, कोई दूसरी बार में, कोई तीसरी बार में, ठीक है। तो वो आप क्लियर करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अटेम्प्ट बताएगा आपको। अगर पहले में कर लेते तो अटेम्प्ट रिमेनिंग 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पास का दिखा देगा। अदरवाइज ये जो है आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस टेस्ट की खासियत ये है कि जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड करके जो पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं चेक के, उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। और इसमें 80% स्कोर करना है। 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 16 आपको करेक्ट करने होते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। इसके बाद आते हैं अगला स्टेप है डिग्री वेरिफिकेशन। दोस्तों डिग्री वेरिफिकेशन में आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है आप उसको अपलोड करिए, ताकि वो वैलिडेट करते हैं कि जो कैंडिडेट है क्या वो सूटेबल है या नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फिर नेक्स्ट आती है बारी पैन कार्ड वेरिफिकेशन की, ठीक है। पैन कार्ड वेरिफिकेशन पे जाके आपको अपने पैन कार्ड का नंबर देना होगा, और याद रखिए दोस्तों ये जो पैन कार्ड नंबर है ये चेक में आपका रजिस्टर हो जाएगा। एक पैन कार्ड से एक ही पर्सन केवल रजिस्टर रहेगा, फिर इन फ्यूचर कोई दूसरा रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो वो पैन कार्ड उसका होना चाहिए जिसका डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं बैंक वेरिफिकेशन पे। देखिए ये सारी चीज़ें आपको एक एक स्टेप आपको जाना है। ये जिस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे देख रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन ऑरेंज है, तो एक एक करके स्टेप आपका ये ऑरेंज होता जाएगा, जो कंप्लीट करेंगे वो इस तरीके के कलर में वापस हो जाएगा। फिर बैंक वेरिफिकेशन पे आना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट किसके नेम से है, और बेसिक तौर पे जिसके नाम से डिग्री है और जिसका पैन कार्ड है उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपसे पूछा जाएगा। याद रखिए कभी भी एक बार इंटर करने के बाद जब आप फ्यूचर में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों जिसको आप अकाउंट को अच्छे से चलाते हैं वही अकाउंट आप इसमें एंटर करिएगा, क्योंकि आप इन फ्यूचर कभी भी आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है नंबर एड्रेस प्रूफ का। देखिए एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप या तो अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन ये मास्क आधार कार्ड लेगा तो बेसिक सा जो आपका है क्या बोलते हैं कि वोटर आईडी कार्ड वो बेस्ट रहेगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आगे आता है बात मोबाइल वेरिफिकेशन की। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि मोबाइल नंबर आपको रियल मोबाइल नंबर अपना डालना है, ताकि आपको ओटीपी मिल सके। आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और एक मोबाइल पे आएगा। वो सब इंटर करने के बाद जब ये करके आप प्रोसेस इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो डिटेल आएगा वो आप फिल करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब देखिए फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक
ईमेल आएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द अप्लीकेशन शैल बी प्रोसीड ओनली आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज मेंशन एवो, मतलब जो भी ये कहा गया है वो होने के बाद। फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे इट टेक्स द एक्सपर्ट हायरिंग टीम 10 वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे टू रिव्यू योर अप्लीकेशन एंड गिव अ फाइनल डिसीजन ऑन योर कैंडिडेचर। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मंडे टू सैटरडे क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मंडे टू सैटरडे न हो के मंडे टू फ्राइडे होता है क्योंकि ये यूएस कल्चर को फॉलो करते हैं, ये लोग हैं इंडिया के लेकिन यूएस कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये मंडे टू फ्राइडे का काम करते हैं, ठीक है ना। तो मंडे टू फ्राइडे मान के चलते हैं अपना वर्किंग के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे इनके लिए वीकेंड्स होते हैं और इनकी हॉलीडेज होती हैं, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे में आपको 10 वर्किंग डेज में ही ईमेल आपको दूसरा एक मिलेगा, एक ईमेल तो मिलेगा आपको ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने पे कि हाँ यू हैव सबमिटेड योर ऑल द कैंडिडेचर रिपोर्ट एंड वी विल वैलिडेट इट विद इन सम डेज। बट 2 से 3 दिनों में या 3-4 दिनों में आपके पास एक मेल आ जाएगा कि कब आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेल जब आएगा तो उसमें आपका ईमेल आईडी एज ए यूजर आईडी होगा और एक वो रफ पासवर्ड देंगे जिससे आप एंट्री करके अपना पासवर्ड चेंज करके अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अब वर्क कहाँ पे करें। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट जो है जिस पे आपको काम करना होगा वो होगा check.com/myexpertqa, मतलब क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे आपको यहाँ पे लॉगिन किया जाएगा, वो वेबसाइट आपको ईमेल में मिलेगी। अब देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट जो खुलेगी वो कुछ ऐसे होगी, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे जो डिटेल आपको दिख रहा है ये सीएफ स्कोर वगैरह सब कुछ, सीएफ स्कोर एक तरीके का क्वालिटी स्कोर होता है जो आपको बताता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बताएगा। अब देखिए ये राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे माई स्टैट्स जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। माई स्टैट्स पे देखिए ये सब चीज़ें जो है आज का, इस वीक का, इस मंथ का, ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा। सीएफ स्कोर कितना चल रहा है वो दिखाएगा, कितने क्वेश्चन का आपने आज आंसर दिया वो दिखाएगा, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किया है वो दिखाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद आपको क्लिक करना स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक करिए, या फिर एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर्पल कलर की लाइन जो है उस पर क्लिक करिए। अब देखिए ये मुझे एक क्वेश्चन मिला है जिसको मुझे सॉल्व करना है, मैंने फिजिक्स में खुद को इनरोल कर रखा है तो फिजिक्स का मेरा एक क्वेश्चन आ गया, बच्चे ने फोटो खींच करके वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ या इसको मैं स्किप करना चाहता हूँ, हो सकता हो ये क्वेश्चन मुझे आ रहा हो सकता हो नहीं आ रहा हो, कई बार ऐसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो स्किप वाला सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं माई स्टैट्स में राइट साइड में नीचे यहाँ पे स्किप लिखा हुआ है, स्किप में 15 क्वेश्चन, मैंने 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं जो मुझे नहीं आते थे या फिर उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक किया। ध्यान से देखिए मैंने स्किप पे क्लिक किया, ये जो स्किप है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ, तो मैं अपना उस तरीके से करके रीजन जो भी है वो मैं इसको हटा दूँगा। अगर मैं इसका आंसर देने का कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आंसर पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये खुल गया इस तरीके से पेज, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आंसर का आया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको टाइप करके आंसर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टाइप आंसर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो आपका सी एफ स्कोर भी अच्छा करते हैं उस पर, तो आप यहाँ पे हो सकता हो तो टाइप करके आप आंसर दीजिए, या फिर आप क्या करिए एक पेज लीजिए जो रूल्ड पेज हो या फिर ब्लैंक पेज हो कोई भी, उस पर आप इसको पूरा क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करिए जिससे स्टूडेंट पूरा समझ सके। उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिख रहा है फर्स्ट कॉर्नर में बॉक्स जो है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस बॉक्स पे क्लिक करते कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको खुल के आएंगी, तो वहाँ से क्या करना आपको चूज फाइल पे जाना है, तो ये आएगा फ़ोटो फ्रॉम लाइब्रेरी। ये करने के बाद जैसे कोई भी फ़ोटो आपको पिक करना है, मान लीजिए मैं ये फ़ोटो पिक करना चाहता हूँ तो ये फ़ोटो मैंने पिक कर लिया, ठीक है, जो भी चीज़ है यहाँ से इसको हम यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, उसको अपलोड करके आप आंसर दे सकते हैं या फिर आप टाइप करके आंसर दे सकते हैं। अब देखिए टाइप करने में कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह कैसे टाइप करें, तो यहाँ से आप इसमें आकर के लेटेक्स कोड जैसे है वो आप कर सकते हैं टाइप, जैसे इंटीग्रेशन का साइन वगैरह सब कुछ आपको अगर यूज करना है, मान लीजिए मुझे लिखना a अपॉन b, तो मैंने a अपॉन b पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गया,
अब इसमें फ्रैक, ये FRAC ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बी, तो ये देखिए नीचे आ गया ए अपॉन बी। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको आंसर सबमिट करना है, आपने पूरा कर दिया, तो यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करिए, ठीक है, सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं अभी भी, तो आप स्किप पे, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे देखिए स्किप पे क्लिक करने के बाद मैंने आई डोंट हैव द सब्जेक्ट नॉलेज पे क्लिक करके मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करूँगा अब मेरे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आया है, हेलो एक्सपर्ट, थैंक्स फॉर योर एफर्ट ऑन चेक क्वेश्चन आंसर, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो क्वेश्चन अवेलेबल इन द क्यू। इसका मतलब अभी जो है ये लाइन जो है ये बता रहा है कि अभी कोई क्वेश्चन आंसर अवेलेबल नहीं है। अब हर 5 मिनट 10 मिनट पे इसको आप रिफ्रेश करते रहिए, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं आता हूँ अगले टैब पे, ये देखिए इसके बगल में क्वेश्चन आंसर के बगल में ये माई आंसर टैब है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो भी आंसर दिए हुए हैं वो सारे दिख रहे हैं हमें। अब जैसे ये मैं पहला आंसर जो भी दिया हूँ ये क्वेश्चन है, मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि वहाँ पे चेक जो है फिर मेरी ID कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए बस आपको बस ऊपर से मैं दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक अपवोट मिला है, मतलब कि मेरा एक आंसर जो था वो बच्चे को पसंद आया और उसने एक पॉजिटिव रेटिंग मेरे आंसर को दे रखा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए नीचे देखिए यहाँ पे कॉर्नर में ये जितने मैंने अभी तक के आंसर दिए हैं उतने आप क्वेश्चन पूरा दिखा रहा है कि इतने आंसर मैं दे चुका हूँ पूरे अब तक अपने काम करने के दौरान। तो ये एक जेन्युइन वेबसाइट है जो आपको पे करेगा, ठीक है, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग है कि आप कितना क्वेश्चन करते हैं, कितना एफर्ट आप लगाते हैं, उस हिसाब से आपको पे करेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पे करता है। मिनिमम पेमेंट जो है एक क्वेश्चन के लिए 75 रुपीज़ है। आप इससे अगर चाहें तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। बस आपको डेडिकेटेड और सब्जेक्ट की डेडिकेशन होनी चाहिए और सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पहली वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, पेमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पेमेंट का जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी डिटेल चेक के द्वारा आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा वो आपको 10 तारीख को ईमेल करेगा आपकी ईमेल आईडी पे कि आपने इतने क्वेश्चन किए हैं जिसमें से इतना आपका पेमेंट बना है और इतना आपका पैसा टैक्स के लिए TDS भरा गया है, भरा जाएगा। और ये जेन्युइन काम है, इसमें कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई 1 रुपए का भी आपका कोई लैप्स नहीं होगा। और 15 तारीख को कब आपका पेमेंट आना है उसी मेल में मेंशन होगा, जैसे कि 15 तारीख को जनरली इनका पेमेंट आता है, 15 तारीख को पेमेंट डेट है, तो आपके अकाउंट में 15 तारीख के शाम तक पैसा आ जाएगा। बाई द वे किसी भी कारण से आपका पैसा डिले होगा तो आपका 15 तारीख के पहले ही एक ईमेल आ जाएगी कि हम 18 तारीख या 17 तारीख या 20 तारीख को आपको पेमेंट दे रहे हैं। तो जो भी पिछले मंथ में आप क्वेश्चन किए हैं उसका पेमेंट आपको 15 तारीख तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से चेक पे काम करके पैसा कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब अगली वीडियो जो आपके लिए मैं बनाऊंगा ऑनलाइन वर्क के लिए, वो कुछ और वेबसाइट की होगी जहाँ से आप जेन्युइन पैसा कमा सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके।